मेरा नाम अर्जुन सिंह है okay. और मैं अमृतसर से हूँ okay. आज हमारी ग्राफिक्स की क्लास थी okay. पहले थ्योरी की क्लास थी, उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल की क्लास थी और थ्योरी में हमने जाना कि हमारे LCM कनेक्टर को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है okay. जैसे कि हमें पावर में 1.8 की लाइन मिलेगी okay. और हमें प्लस माइनस और माइनस प्लस 5 और माइनस 5 की लाइन मिलेगी okay. और उसके बाद हमें 10 मीपी की लाइन मिलेगी जो सीपीयू में जाती है, सीपीयू से आती है okay. और LCM ID0 की लाइन, LCM ID01 की लाइन, LCD TE LCD Reset 1.8 वोल्ट, जब ये सारा हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारे LCD में ग्राफिक्स आने लगेगा ओके okay. और आज हमने ये भी जाना कि अगर हमारे बोर्ड में CPU निकल जाए ओके okay. निकाल दे और उसके बाद हम मेन पावर भी निकाल दे ओके okay. और उसके बाद बड़ी बात बोल रहे हो बिल्कुल सर, ये भाई कौन कौन कर सकता है yes, sir. सबने किया है लाइव प्रैक्टिकल yes, चलिए ठीक है ये मैं ज्यादा डिटेलिंग में बता नहीं सकता क्योंकि ये हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स है ओके okay. उसके लिए तो यहाँ आना पड़ेगा चलिए ठीक है एक बार क्लैपिंग कर दो इनके लिए कट मारो लाइव जी कट मारो इधर लाइव तो आज मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ आज हमने जो क्लास लिया है वो लिया है हमने ग्राफिक्स सेक्शन का ओके okay. तो मैं सर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ओके okay. ये जो हमारा लगा है ये डिस्प्ले कनेक्टर है और okay. इस पे मैं बताना चाहता हूँ ये कैसे वर्क करता है okay. पहले जो हमारे मेन पावर से जो 1.8 का लाइन आएगा okay. सप्लाई के लिए okay. और उसके बाद जो हमारे पास लाइन आएगा -5 और +5 का okay. जो सर जो इस कनेक्टर में जाएगा उसके बाद हमारे पास जो 10 मीपी की लाइन आएगी जो कि सीपीयू से आएगी okay. और उसके लिए उसके बाद हमें चाहिए ID0 की लाइन okay. और ID01 की लाइन okay. और हमारे उसके लिए इमेज के लिए उसको करने के लिए हमारे पास क्लियर की लाइन चाहिए okay. Okay. और उसके बाद रीसेट की लाइन जिसपे 1.8 वोल्ट आता है okay. और अगर ये सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाएगी तो जो हमारा ग्राफिक्स का ग्राफिक सेक्शन है वो बिल्कुल ओके हो जाएगा ओके okay. और जैसे सर आज हमारे MD सर ने हमें इस सेक्शन को मॉडिफाई करना सिखाया है -5 और +5 का जो है वोल्टेज मिल गया है okay. जिससे कि ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया और हमने सारा जो CPU और मेन पावर को बाईपास कर दिया ओके okay. चलिए क्लैपिंग कर दो इसके लिए और ये सारी नॉलेज के लिए मैं पूरी एशिया टेलीकॉम की टीम का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ और देव सर और MD सर के लिए मैं बहुत बहुत ठीक ओके थैंक यू थैंक यू ओके डन हेलो एवरीवन माय नेम इज आशिक ओके आई एम फ्रॉम कश्मीर ओके तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारा ग्राफिक्स का सेक्शन हुआ ओके इसमें हमने पहले थ्योरिकली पढ़ा ओके और फिर हमने प्रैक्टिकल भी किया ओके तो आप सबको पता होगा मैं फिर भी थोड़ा रिमाइंड करूँ आपको जब हमें कोई भी ग्राफिक्स बनाने हो हाँ। तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है ग्राफिक्स बनाने में okay. तो सबसे पहले हमें चाहिए पावर में से 1.8 ओके okay. तो हमने यहाँ पे 1.8 की लाइन ले ली ओके okay. उसके बाद हमारे पास आना चाहिए AVDD जो कि +5 की लाइन है ओके okay. और AVEE जो कि -5 की लाइन है okay. ये आप सब जानते होंगे मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूँ यहाँ okay. पे उसके बाद हमें चाहिए मीपी की 10 लाइनें ओके जिनमें हमें 5 ग्राउंड के साथ चाहिए ओके और सर साथ में हमें चाहिए ID0, ID01 ओके और साथ में हमें चाहिए टीयरिंग ओके तो टी भी चाहिए और रीसेट 1.8 भी चाहिए 1.8 भी चाहिए जी बिल्कुल सर ये सारा मिल गया तो जब ये सारा पूरा कंप्लीट हमें मिलता है तो हमें आसानी होती है हमें बिल्कुल मतलब एक अच्छे से हम ग्राफिक्स बना सकते हैं ओके तो सर अब यहाँ पर हमारे पास पावर भी आ गया CPU भी है तो ये तो सबके लिए इजी है सब okay. बना सकते हैं इसको ओके okay. जी लेकिन हम यहाँ पे कैसे बनाते हैं ना तो हमारे पास पावर है ना हमारे पास CPU है तो हमने फिर भी इसको बनाया okay. ये सिर्फ और सिर्फ एशिया टेलीकॉम में पॉसिबल है और कहीं पे पॉसिबल नहीं है हमने एक जंपर करके इसको बाईपास किया अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा लेकिन कुछ प्रोटोकॉल की वजह से कुछ प्राइवेसी की वजह से मैं आपको ये नहीं बता सकता कि हमने कैसे इसको बाईपास किया तो okay. उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो आप जरूर एशिया टेलीकॉम से जुड़े और इस इतनी डीप नॉलेज के लिए मैं थैंक यू करना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम की पूरी मैनेजमेंट को देव सर को और MD सर को और जितने भी मैनेजमेंट के साथ लोग जुड़े हैं मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन्होंने हमें एडमिशन दिया इतनी डीप नॉलेज दी और साथ साथ में इतने अच्छे से हमें जो बढ़ाई मतलब दे रहे हैं नॉलेज दे रहे हैं उसके लिए रियली थैंक यू सर रियली थैंक यू कश्मीर चलिए ऑल द बेस्ट थैंक यू सर थैंक्स अ लॉट चलो मेरा नाम कपिल है मैं मेरठ से हूँ ओके
आज हमने ग्राफिक्स क्लास पढ़ी है जी, ठीक है, उसमें हमें सर्किट को मॉडिफाई करना सिखाया है। ओके, जो जो ये कैरेक्टर है हमारा, इसकी जो जो रिक्वायरमेंट है हम इसे पूरी करेंगे। ओके, इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारी 1.8 की। ओके, जो हमारी सिर्फ पावर आईसी से आती है। ओके, उसके बाद हमें चाहिए -5 -+। ओके, -5 + +5 ओके, ठीक है। उसके बाद में बीपी की लाइनें चाहिए 10 लाइनें। ओके, बीपी की लाइनें हमारी 10 लाइनें ये हैं, और इसमें हमें उसके बाद चाहिए आईडीओ की लाइन। ओके, आईडी की लाइन 0.1 और एलसीडी टीई की लाइन जी, और एलसीडी रीसेट की लाइन 1.8 वोल्टेज। ओके, इसमें हमें इन चीजों की जरूरत है, और हमने जो मॉडिफाई किया है उसमें हमने सीपीयू को हटा के और पावर को हटा के हमने मॉडिफाई किया है। ओके, तो उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा यूनिवर्सल आईसी रहा है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कर सकते हैं ये भाई, ये खाली अकेले कर सकते हैं, पूरी क्लास कर सकती है, पूरी क्लास। देखो देखो समय को अगर देखते हुए अगर देखे तो अभी 10 बज रही है क्लास की, 10 PM हो रहा है, और 10 PM में सब स्टूडेंट को बुला के यहाँ पे नहीं बता सकता। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वन, आज मॉर्निंग में ग्राफिक्स की क्लास ली हमने जी, उसमें हमने उसके बाद हमने ग्राफिक्स के बारे में आपको बताया गया जी, कैसे कैसे कहाँ कहाँ लाइन आती है। ओके, सबसे पहले यहाँ सीपीयू पावर आईसी में 1.8, उसके बाद ये +5 -5 की लाइन आती है। ओके, उसके बाद ये बीपी की लाइन आती है, उसके जो ग्राउंड के साथ जुड़ी होती है 5 लाइन जी। उसके बाद सर ये ID 0, ID 01 और LCD TE और सेट टाइम 1.8 वोल्ट जी। तो सर हमने इसको पूरा जो ग्राफिक की रिक्वायरमेंट पूरी की, उसको पूरा कंप्लीट किया हमने, तो पूरे उसके पूरे वोल्टेज हमने उसके सेट किए। ओके, और उसके बाद हमने सब ये करके सर हम इसको बाईपास किया। ओके, तो बाईपास में किन किन चीजों को बाईपास कर दिया हमने, बिना सीपीयू और बिना इसके पावर आईसी के, बिना सीपीयू बिना पावर आईसी के लाइव किया आपने, लाइव किया लाइव। तो अभी अब जब आपने बाईपास कर दिया, तो अब जो कस्टमर का फॉल्टी सेट आएगा तो बनाने में दिक्कत जाएगा क्या? चलिए ठीक है जी। हेलो, मेरा नाम महेश निगु, मैं महाराष्ट्र से हूँ। आज हमारे ग्राफिक आईसी के बारे में हमारा आज क्लास था, तो थ्योरी में हमें पढ़ा सिखाया गया कि ग्राफिक आईसी को कैसे बनाया जाता। तो आज हमने पहले ये जो पावर आईसी है इसमें से 1.8 का वोल्टेज निकाला, उसके बाद में +5 और -5 चाहिए था। ओके, तो ये जो है हमारा ग्राफिक आईसी का कनेक्टर है। ओके, मीटर की लाइन उसमें 5 होने। ओके, और उसके बाद में फिर ID 0। ओके, ID 1। ओके, और LCD भी चाहिए। ओके, रिसेट को इसका जो सप्लाई है 1.8 चाहिए। ओके, तो ऐसा ही पूरा सर्किट इस हमारे बोर्ड में, अगर सीपीयू ऐसे ही नहीं हुई और पावर ऐसे भी नहीं रही, तो हमने पूरा सर्किट तैयार किया। ओके, उस बाद में ग्राफिक आ गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर मैंने सीपीयू को भी अलग कर दिया, मैंने पावर को भी अलग कर दिया, पावर को अलग करने के बाद मैंने अपने हाथ से सर्किट मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके -5 + +5 बना के अपना ग्राफिक्स बना लिया। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलो सर, आप सब जानते हो जैसे आप फोन चलाते हो जी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है ग्राफिक्स। ओके, और अगर आपको फोन में ग्राफिक्स ही नहीं देगा तो प्रॉब्लम फोन किसी काम का नहीं है जी। तो हम उसी फॉल्ट वाला देने चाह रहे हैं कि ग्राफिक्स आता जैसा है। ग्राफिक्स के लिए सबसे पहले हमको 1.8 की लाइन जो पावर ऐसे आती है। ओके, और अगर और उसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है जो सीपीयू देता है उसको, उसकी मेमोरी लाइन बोलते हैं उसको। ओके, उसमें 10 मेमोरी लाइन होती है, 5 ग्राउंड आती है। हमको ये सीपीयू उसकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा कभी, तो हमारा ग्राफिक्स आ जाएगा। और अब आप ये बोलोगे कि अगर हम पावर भी निकाल दे और सीपीयू भी निकाल दे तो ग्राफिक्स नहीं आने का, तो ग्राफिक्स आएगा। वो ग्राफिक्स कैसे आएगा वो हमें बताया, और हमारे जो यहाँ पर हम आए सीखने एशिया टेलीकॉम, इसका प्रोटोकॉल है, हम उसको आपको बता सकते हैं। ये आपको आना है तो आप आइए और आप खुद अचंभित होंगे, सीपीयू और पावर के बिना ग्राफिक्स कैसे आएगा। ये आएगा, आप आओ यहाँ पर, आप देखो कि यहाँ पर ग्राफिक्स कैसे आएगा, ये बिना आए आपको नहीं पता चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीतिश शोर है, मैं खंडवा मध्य प्रदेश से जी। आपके सामने बोर्ड पे जो सेक्शन दिख रहा है जी, ये ग्राफिक्स का, जैसे मोबाइल में ग्राफिक्स का सेक्शन होता है, जब हम ग्राफिक बनाने जाते हैं तो उसकी क्या नीड होती है? जैसे किसी भी मोबाइल में ग्राफिक्स के लिए कुछ नीड्स होती हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं।
जिसे पावर आईसी है, पावर आईसी से हमको 1.8 चाहिए रहेगा। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें +5 -5 चाहिए रहेगा। okay. इसके बाद में जो कि ये यहाँ पे कनेक्टर पे आना जरूरी है, इसके बाद में हम सीपीयू से मीपी की ऐसी 10 लाइनें देखते हैं। okay. इसमें यहाँ से देखते हैं आप, ये 10 लाइनें हैं, तो इसमें D3, D3P, D3N ये सब होते हुए फिर उसके बाद में ID0, ID1, TE और रिसेट से हम 1.8 वोल्ट लेते हैं। और इसके बाद में ये पूरा जब तैयार हो जाता सर्कल तो हमारा ग्राफिक्स आता है। okay. लेकिन अगर मान लीजिए आपके मोबाइल से या किसी भी मोबाइल से पावर आईसी हटा दी जाए, सीपीयू हटा दिया जाए, तो ग्राफिक्स का आना या बनना संभव नहीं है। उसका भी सॉल्यूशन है, तो हम इसे भी जम्पर मार करके जो है इसे ग्राफिक्स को ला सकते हैं। ग्राफिक्स को मतलब हम वोल्टेज ग्राफिक्स के वोल्टेजेस को ला सकते हैं। किसको ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। -5 और +5 को ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं सर। Okay. तो लेकिन ये कैसे ला सकते हैं ये बताने के लिए हमारे कुछ संस्था के प्रोटोकॉल हैं। इसके लिए आपको आना है एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करें और यहाँ पे आकर के वो स्किल और टेक्निक सीखें जिसपे हम आईसीओ को हटाने के बाद भी कैसे हमारा ग्राफिक्स बन जाता है। तो ऐसी टेक्निक जो है, ऐसा नॉलेज, ऐसा ज्ञान जो है वो एशिया टेलीकॉम में ही मिलता है। तो जो ज्ञान आज मैंने प्राप्त किया, हमारी जो ग्राफिक्स की क्लास थी बड़ी अच्छी रही, हमने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद में पूरा प्रैक्टिकल किया। अभी रात के 10 बज रहे हैं और हम सभी जो हैं यहाँ पे क्लास में बैठ करके प्रैक्टिकल भी किया और आप सभी को यहाँ से हम लोग बता भी रहे हैं कि किस प्रकार से होता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एशिया टेलीकॉम की पूरी टीम का, देव सर का, एम पी सर का। थैंक यू सर। ओके सर, मेरा नाम सुनील कुमार है, पंजाब लुधियाना से। ओके, तो आज हमारी क्लास थी ग्राफिक की। ओके, ग्राफिक की क्या डिमांड है, कितने वोल्टेज चाहिए, कहाँ से आते हैं, ओके, कहाँ से जाते हैं। ओके, सुबह थ्योरी क्लास थी और प्रैक्टिकल थी। यस, तो इसमें हमने सीखा कि हमको पावर आई सी से MP63 से 1.8 वोल्टेज चाहिए। ओके, सर तो हमारा अदर आई सी है यूनिवर्सल आई सी 5 से -5 वोल्टेज एंड +5 वोल्टेज चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमारी MPP 10 लाइनें भी बोलनी चाहिए था। ओके, उसके बाद हमारी ये लाइन आती है LCD ओके, तो ये सेक्शन हम कल पूरा किया। ओके, तो उसके बाद हमने बिना CPU, ओके, बिना पावर के हमने सर्किट तैयार किया। ओके, जो कि यहाँ के हमको आके नई तकनीक पता चली कि बिना इन आईसीओं के भी हमारी जो टाइप की डिमांड है इधर ग्राफिक की वो पूरी हो जाती है। तो इससे हमने सर बहुत अच्छा सीखा। तो इसका मतलब हम किसी सर्किट को मॉडिफाई कर रहे हैं तो हम सर्किट को एटलीस्ट रिपेयर तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं उसको, है ना। तो आपने ये सीखा अभी कि आपका अगर कोई सा भी आईसी फेलियर जाता है, है ना, या सीपीयू से कोई लाइन फेलियर जाती है जो आपकी ग्राफिक्स को आती है, तो आप उसको बाईपास करके आप अपना -5 +5 बना के अपना ग्राफिक्स बना सकते हैं। सर वो हमने आज किया भी है जी, करके दिखाया भी, करके भी दिखाया, मैंने अभी नंबर 1 में किया है जी। तो ये सब सिर्फ एशिया टेलीकॉम की वजह से हो रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ है 28 मार्च की बैच। यस सर। कौन कौन लाइव है? यस सर। सब लाइव है? यस सर। तो भाई मेरी क्या क्लास थी आज, हमारी क्या क्लास थी? ग्राफिक्स की। यस सर। किस किस का डाउट क्लियर है? ग्राफिक्स यस सर क्लियर है। यस सर। अगर मैं बोलूं कि अगर आपके बोर्ड से मैं सीपीयू निकाल दूं, सीपीयू का कनेक्शन काट दूं, क्या कर दूं? सीपीयू का कनेक्शन काट दूं जो ग्राफिक्स आईसी को आता है। हेलो। यस सर। देखो समझना मेरी बात, मैं बोलना कहता हूं, मैं ग्राफिक्स आईसी में जो सीपीयू के कनेक्शन आते हैं, हमारे एक ही प्रोसेसर होता है उसका कनेक्शन आता है, वो कनेक्शन को हम कट कर दें या कनेक्शन वहाँ से आ नहीं रहे। क्लियर है? यस सर। पावर आईसी से आने वाला वोल्टेज वो भी नहीं आ रहा। हेलो। यस सर। तो उसके बाद उस आईसी के बाईपास करके कौन कौन चालू कर सकता है? यस सर। सीपीयू हटा के तो चालू नहीं कर सकते। नहीं, सीपीयू तो लगेगी, पर बाकी सीपीयू के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो सीपीयू की रिक्वायरमेंट हमारी ग्राफिक्स आईसी को होती है, अगर वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो पाती तो हम बाईपास करके बना सकते हैं। यस सर। बना सकते हैं। यस सर। अगर कोई सर्किट को हम बाईपास करके बना सकते हैं तो क्या उसको कस्टमर के मोबाइल को या दुकानदार के मोबाइल को रिपेयर नहीं कर सकते क्या? यस सर। कर सकते हैं। यस सर। तो ये कारनामा आज किसने करा? यस सर। सबने किया? यस सर। देखो हमने डिस्प्ले को
चार भागों में तोड़ा। कितने भागों में? चार भाग। कितने भाग होते हैं? चार। हम चाहते थे एक दिन में पढ़ा सकते थे। तो हमने क्या आईपीएस को अलग करा है? यस सर। लाइट को अलग करा है? यस सर। टच को अलग करा है? यस सर। और एमओ एलईडी ओ एलईडी और क्यू एलईडी को अलग किया है। हेलो ताकि क्या हो आपको बेहतर तरीके से समझ आए, समझ में आ सके। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फ़ोन टीचर से फ़ोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप मोबाइल टेक्नीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप सीपीयू ईएमएमसी पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और 4थे दिन में सीपीयू करवा देंगे। हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है? तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी।